मैं धारा सिंह सीनियर लेक्चरर गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ रियासी से तो मैं आप लोगों को सल्यूशन यूनिट के कुछ टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा तो सल्यूशन क्या होता है सल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस दिस इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज इज प्रेजेंट इन स्मॉल तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होती है टू और मोर की कॉमन एग्जांपल अगर हम इसकी ले लें जैसे हम पानी में शुगर डालते हैं पानी ज्यादा शुगर कम तो उसका सॉल्यूशन बन जाता है इस केस में वाटर वाटर इज ए सॉल्वेंट एंड शुगर इज ए सॉल्यूट अब दिस इज प्रेजेंट इज लार्ज अमाउंट ट सालवेंट जरूरी ही नहीं कि बाटर ही होता है और भी कुछ हो सकता है लार्ज अमाउंट में हो जैसे सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन में जो सॉलिड लार्ज अमाउंट में है दैट इज गड साल और जो स्मॉल अमाउंट में है दैट इज गुट तो सल्यूशन को अगर हम ऐसे देखें सल्यूशन ट्रू सोल्यूशन और एक और होते हैं उनको हम कहते हैं कोलाइडी सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन की पहचान हम कैसे करेंगे ट्रू सोल्यूशन के कंपोनेंट्स हम आंखों से नहीं देख सकते अगर आप स्टील के ग्लास को ध्यान से देखें उसके पार्ट आप अलग नहीं कर सकते उसमें कौन कौन सा सॉलिड है आप उसको नहीं देख सकते ऐसे ही अगर आपने थोड़ा सा साल्ट वाटर में डाल दिया फिर आप सॉल्वेंट करने के बाद ध्यान से देखो वहां पे साल्ट बिल्कुल नजर नहीं आता दैट इज ट्रू सॉल्यूशन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड 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 होता है थ्री होते हैं जी गैस इन सॉलिड लिक्विड इन सॉलिड सॉलिड इन सॉलिड गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पलेडियम सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लेडियम हाइड्रोजन गैस प्लेडियम मेटल में सॉल्युबल हो जाती है तो बनाती है ट्यूब सॉल्यूशन दैट इज गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन नेक्स्ट ल्यूक्ड इन सॉलिड मरकरी विद मरकरी इज ए ल्यूक्ड एंड सोडियम इज ए मेटल सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन जैसे मैंने आपको स्टील की भी एग्जांपल दे दी कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड कॉपर यहाँ पे थोड़ा है गोल्ड ज्यादा है दैट इज आल्सो सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन ल्यूक्ड सोल्यूशन गैस इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर सिंपल एग्जांपल है और भी है इसकी एग्जांपल्स, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर कोल्ड ड्रिंक्स ल्यूक्ड इन ल्यूक्ड इथेनोल डिजॉल्व इन वाटर इथाइल अल्कोलो कहते हैं इथाइल अल्कोल डिजॉल्व इन वाटर, सॉलिड इन ल्यूक्ड ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर या साल्ट डिजॉल्व इन वाटर सिंपल एग्जांपल, एग्जाम्पल सॉल्यूशन, गैस इन गैस लिक्व इन गैस एंड सॉलिड इन गैस गैस इन गैस मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेज एयर भी है इसकी एग्जाम्पल ल्यूक्ड इन गैस वाटर वेपर इन ईयर या क्लोरोफार्म मिक्सड विद नाइट्रोजन गैस सॉलिड इन गैस डस्ट पार्टिकल इन कैंफर इन नाइट्रोजन गैस भी इसके एग्जाम्पल है आगे है नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट मैथर्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसटेशन ऑफ ए सोल्यूशन जूनिट्स ऑफ कंसटेशन अब जूनिट्स ऑफ कंसटेशन वॉट इज कंसंट्रेशन दफ सबस्टेंस तो कम कंसनट्रेशन ज्यादा है तो ज्यादा अब हमारे पास जिस तरह से मास परसेंटेज वेट परसेंटेज मोलिटी मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन नॉर्मैलिटी दीज आर आर दूनिट्स ऑफ कंसेंटेशन ये सारे कंसेंट्रेशन के यूनिट्स हैं मास आर वेट परसेंटेज इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रजेंट इन हंड्रेड ग्राम्स ऑफ द सोल्यूशन सिंपल जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई मास्यूशन मल्टीप्लाई हंड्रेड जैसे परसेंटेज निकाली जाती है मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉलवेंट मल्टीप्लाई हंड्रेड या फिर हम इसको ऐसे भी लेते हैं मास ऑफ सल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन प्लस डेनसिटी ऑफ सोलूशन मल्टीप्लाई द रेशियो ऑफ मास्यूट टू दासकी रेश हम मास फ्रैक्शन कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज इट इंड ऑफ सल्यूट इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन हंड्रेड एम एल ऑफ वाटर सेम वही मैथड आ गया वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई सिंपल बात है ये टेन परसेंट सोल्यूशन ऑफ एच सी एल बाई वॉल्यूम मीनस दैट टेन एम एल ऑफ लूक एच सी एल इज प्रजेंट इन हंडर्ड एम एल ऑफ हंडर्ड मिलीलीटर ऑफ द सोल्यूशन नैक्सट है मूलैरिटी

मोल बोलते हैं मोलर मास मोल वन मोल मीन्स मालिकुलर मास इसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर जहां बताता हूँ अगर हमने एक मोल्डर वन मोलर सोल्यूशन बनाना है एन का तो हमने क्या करना पड़ेगा मैं सिंपल आपको बताता हूँ इसका मेथड जिस तरह से एक बीकर है हमारे पास यहाँ तक इसमें एक लीटर पानी आता है एक लीटर कोई भी सल्यूशन आता है तो हम इसमें वाटर ले लेंगे वाटर एक लीटर से थोड़ा कम लेंगे क्योंकि ऊपर से हमने क्या डाला है एन ए सी एल वन मोल ऑफ एन ए सी एल डालना है एन ए सी एल का मालिकुलर मास है फिफ्टी एट फिफ्टी एट ग्राम ले लिया मालिकुलर मास मोलर मास टेकन इन ग्राम इसका वन मोल वन मोल हमने इस वाटर में डाला इन दोनों को मिलाकर हमने वन लीटर सल्यूशन तैयार कर तैयार करना है तो वाटर हमने वाटर लेस देन वन लीटर ले लिया वाटर इज ए सॉल्वेंट एंड इट इज सल्यूट हाँ नेक्स्ट हमने क्या किया इसको सॉल्यल किया सॉल्यूट करने के बाद अब ऊपर से और थोड़ा वाटर डालना इसको पूरा वन लीटर बना दिया यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर वन लीटर होना चाहिए हमारे पास वन मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl तैयार हो गया हमारे पास सल्यूट प्लस सॉल्वेंट वन लीटर ये आ गई हमारी मोलरिटी अब अगर कोई बोले आपको नहीं भाई टू मोलर सोल्यूशन तैयार करो आप फिफ्टी एट मल्टीप्लाई टू कर दो जितना अमाउंट आएगा उसको इसमें डाल दो सेम मेथड से बना दो बस बन गया टू मोलर सोल्यूशन किसने कहा भाई नहीं आप एम ओवर टू सोल्यूशन बनाओ हाफ कर दो इसको हाफ अमाउंट ले लो इसमें डालो तो बन जाएगा हमारे पास हाफ मोल्डर सोल्यूशन ऐसे एक और कंसनट्रेशन यूनिट है हमारा मोलैलिटी के बाद आती है मोलैलिटी मोलैलिटी में क्या करते हैं थोड़ा सा डिफरेंस इसमें है कि हम वन के जी सॉलवेंट लेते हैं वन के जी वाटर लेते हैं और मेथड वैसे ही और वन मोल उसमें अगर हम सल्यूड डालेंगे दैट इज वन मोलर सल्यूशन वन मोलर सोल्यूशन लेकिन इस केस में वन के जी वाटर और फिफ्टी एट ग्राम जो सल्यूड हमने लिया था वो दोनों प्लस हो जाते हैं अमाउंट जो बनेगा हमारा सोल्यूशन जो रिजल्ट बनेगा वो वन बन के से ज़्यादा होगा वन के और फिफ्टी ग्राम होगा तो जी होती है मोलैलिटी ऐसा देखा गया मोलैलिटी डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर मोलै मोलेलिटी टेम्परेचर से चेंज नहीं होती है ऐसा देखा गया है आमतौर पे मोलैलिटी टेम्परेचर से चेंज होती है क्यों क्यों जितने भी सोल्यूशन हैं वो टेम्परेचर बढ़ने से उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है और कम करने से वॉल्यूम कम हो जाता है लेकिन इनकेस मोलैलिटी की हम जब बात करेंगे

मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन के जी जी वही बात जो मैंने आपको बता दी दस इफ वन ग्राम मालिक्यूल ऑफ सल्यूट इज प्रेजेंट इन वन के जी ऑफ सॉल्वेंट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज सेड टू बी वन मोलल यूनिट्स ऑफ मोलैलिटी मोल पर के जी मोलैलिटी इज द मोस्ट कन्वीनियंट मैथड टू बिकॉज इट इन्वॉल्व द मास ऑफ ल्यूकर रैदर दैन देयर वॉल्यूम्स इट इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएशन इन टेम्परेचर ये तो सारी बातें होगी नेक्स्ट है नॉर्मलिटी द नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट ऑफ सल्यू डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन है तो ये भी मिलती जुलती थोड़ा सा इसमें यह आता है ग्राम इक्वलेंट्स वहाँ हम बात लेकर चलते थे नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे है ग्राम इक्विवेलेंट्स इसका डिफरेंस ध्यान से समझिए वहाँ पे था नंबर ऑफ मोल्स जहाँ पे है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अब इन दोनों में फ़र्क क्या है नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं अब ग्राम इक्विवेलेंट्स से पहले हमें समझना है इक्विवेलेंट वेट क्या चीज़ है इक्विलेंट मास क्या चीज है जैसे मोलर मास वैसा होता है क्या इक्विवेलेंट मास नहीं इसमें कभी डिफरेंस भी आता है कभी सेम भी होता है अब मोलर मास और इक्विवेलेंट मास कैसे डिफरेंट करता है इसमें ये लिखा हुआ है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट अच्छा इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय बैलेंस फैक्टर अब बैलेंस फैक्टर क्या हो सकता है दैट मे बी एसिडिटी ऑफ बेस बेसिसिटी ऑफ एसड या बैलेंसी ऑफ द एलिमेंट अब हम बात करते हैं एसिड बेस या साल्ट अगर मैं बात करूँ साल्ट की तो साल्ट का हमने निकालना है इक्विलेंट वेट एन ए सी एल इज ए साल्ट एन ए सी एल में हम क्या देखते हैं कि कैटाइन की बैलेंसी कैटाइन जहाँ एन ए है सोडियम एन ए वन पॉजिटिव है यानी कि इसकी वैलेंसी तो वन है तो इस केस में मोलर मास ऑफ एन ए सी एल एंड इक्विवेलेंट मास या फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ए सी एल इज सेम इस केस में वो सेम ही होगा अब और कोई साल ले लेते हैं जिस तरह से मैं बात करूँ अगर कैल्शियम सल्फेट ले लिया कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम तो दो पॉजिटिव है कैटाइन कैल्शियम है वो दो पॉजिटिव है कैल्शियम सल्फेट का मोलर मास हमने डिवाइड करना पड़ेगा टू के साथ इस केस में मोलर मास से जो इक्विवेलेंट मास है वो आधा आएगा तो ऐसा देखा गया कभी वो सेम भी आता है कभी आधा होगा जब वन थर्ड होगा या वन फोर्थ होगा ये फार्मूले से चलना है अब बात करते हैं बैलेंस फैक्टर ऑफ ए बेस जो भी बेस होते हैं बेस की जब हम बात करते हैं हम ऐसे लिखते हैं एसिडिटी ऑफ बेस एंड बेसिसिटी ऑफ एसिड अपोजिट चलता है ये बेस की एसिडिटी एसिडिटी ऑफ द बेस कैसी देखी जाती है एसिडिटी ऑफ द बेस भाई बेस कितने ओ एच नेगेटिव आयन लीज करता है अगर वो एक ही ओ एच नेगेटिव आइन रिलीज करता है तो एसिडिटी ऑफ बेस बन। अगर बेस कोई जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दो ओ एच रिलीज करेगा तो इस केस में एसिडिटी ऑफ बेस टू है तो इस केस में टू से आपको डिवाइड करना पड़ेगा फिर आपका क्या निकलेगा इक्विवेलेंट मास बेसिसिटी ऑफ एसिड अब एसिड में भी सेम केस है अगर मैं एच सी एल की बात करता हूँ एच सी एल ए की एच पॉजिटिव रिप्लेस करता है तो इसकी बेसिसिटी ऑफ द एसिड बेसिसिटी ऑफ एच सी एल इज वन लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड की बात करनी हो अगर सल्फ्यूरिक एसिड सल्फोरिकोर सल्फ्यूरिक एसिड दो एच पॉजिटिव रिलीज करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास हमें डिवाइड करना पड़ेगा टू के साथ इस केस में उसकी हाफ हो जाएगा equivalent मास जहाँ इक्विलेंट वेट मोलर मास से उसका इक्विलेंट मास हाफ हो जाता है ऐसे ही बैलेंस फैक्टर फॉर एलिमेंट किसी एलिमेंट की अगर हमने देखी नहीं हो पाइलेथियम वन पॉजिटिव होता है उसका जितना भी मोलर मास है जहाँ अटामिक मास है उसके बराबर ही उसका इक्विलेंट मास आएगा हाँ और कोई एलिमेंट ऑक्सीजन की बात करनी हो ऑक्सीजन टू नेगेटिव है तो इस केस में ऑक्सीजन के केस में टू से हमें डिवाइड करना पड़ेगा तो जी आ गया नॉर्मैलिटी क्या होती है नॉर्मैलिटी से भी पीछे चल के हम इक्विवेलेंट मास क्या चीज होती है अब बात आती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जैसे हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं गिवन मास मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं गिवन मास मोलर मास जिस तरह से अगर आपको कोई बोले कि टेन ग्राम एन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं टेन को ऊपर लिखोगे तो मोलर मास ऑफ एन ए सी एल फिफ्टी एट आ गया टेन डिवाइडेड बाई फिफ्टी एट जो भी आंसर आया दैट इज नंबर ऑफ मोल्स तो सेम मैथ यहाँ पे हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस कैसे निकालेंगे गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास दैट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस अब डेफिनेशन पे आते हैं द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट इज पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन नॉर्मलिटी क्या होगी हमारी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में लेना है हमने जैसे हमने मोलारिटी निकाली वैसे ही इसका मेथड है सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सोल्यूशन वन लीटर बनना चाहिए अगर जे आप मिली लीटर में लोगे तो मल्टीप्लाई वन थाउजेंड करना पड़ेगा आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्वेंट ऑफ ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सारा क्लियर हो गया अब आगे आते हैं इफ वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट वन लीटर ऑफ सोल्यूशन दी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज सेड टू बी वन नॉर्मल ये बात सारी मैंने आपको बता दी वन एन नॉर्मल वन नॉर्मल सोल्यूशन वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन नॉर्मलिटी इज वन सेमी नॉर्मल जैसे जीरो पॉइंट फाइव ग्राम बना दिया इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट लीटर ऑफ सोल्यूशन नॉर्मेलिटी इज जीरोड बाई 0.1 जीरो इक्विवेलेंट ऑफ लीटर ऑफ सोल्यूशन नॉर्मेलिटी इज वन आगे आती है नेक्स्ट यूनिट है मोल फ्रैक्शन सिंपल है काई लोअर ग्रीक में हम इसको थोड़ा सा लंबा होता है एक्सेज

यहाँ पे ठीक है सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट वियर यहाँ पे सॉल्यूट है तो जहाँ सॉल्वेंट आएगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मोल फ्रैक्शन प्लस करके वन आना चाहिए जिस तरह से एग्जांपल है यहाँ पे व्हाट आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्मड व्हेन 92 ग्राम ग्लिसरॉल इज मिक्स्ड विद 90 ग्राम वाटर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इसको तो 18 होता है और ग्लिसरॉल का है 92 अब सामने दिखता है यहाँ पे 90 ग्राम वाटर एक मोल 18 ग्राम है तो 5 मोल आ गया तो 92 ग्राम ग्लिसरॉल 92 ही इसका मोलर मास है तो 1 मोल आ गया टोटल मोल 5 और 1 6 हो गए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना हो जब हमने 5 आ गया ऊपर 6 नीचे आंसर चाहिए का निकालना है वन मोल आ गया ऊपर का ही है तो मोल फ्रैक्शन एंड सॉल्वेंट शुड बी इक्वल दोनों को मिलाकर एक आंसर आ गया तो इट मींस इट इज करेक्ट आगे एक और यूनिट है पार्ट्स पर मिलियन सिंपल पी पी एम इट इट इज डिफाइंड एज कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ दल्यूशन 10 की 6 होता है मिलियन इट इज यूज्ड व्हेन सोल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वान्टिटीज जब सल्यूट बहुत थोड़ा हो साल बहुत ही ज़्यादा हो उस केस में ये वाला यूनिट इस्तेमाल किया जाता है पार्स पर मिलियन मास ऑफ सल्यूट मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 10 की 6 फार्मेलिटी भी कभी भी इस्तेमाल होता है फॉर्मेलिटी सिंबल है एफ इट इज द नंबर ऑफ फार्मूला वेट्स ऑफ सल्यूट प्राजेंट पर लेटर ऑफ दल्यूशन फॉर्मेलिटी वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम फार्मूला वेट मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर चलो आज इतना ही रखते हैं थैंक्स ओके okay.